बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की तिथि नजदीक आने के बावजूद किसी दल की ओर से उम्मीदवारों का नाम तय नहीं होने के कारण मौजूदा सांसदों और नए दावेदारों की धड़कन तेज हो गई है। दरअसल नामांकन 24 मई से शुरू होगा। दो दलों राजद और जदयू ने उम्मीदवारों के चयन के लिए शीर्ष नेतृत्व को अधिकृत कर दिया है, जबकि भाजपा की कोर कमेटी बैठकर उम्मीदवारों के नाम पर विचार करेगी। आपको बता दें कि जुलाई में राज्य के जिन 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें भाजपा व जदयू के 2-2 और राजद के 1 सदस्य हैं। जदयू के शरद यादव का कार्यकाल 2017 से ही अदालत में उलझ गया है। राजद के राम जेठमलानी का निधन 2019 में हो गया, उनकी जगह भाजपा के सतीश चंद्र दुबे राज्यसभा में गए। इस तरह भाजपा के 2 सदस्य गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संजोग से दोनों सवर्ण हैं और भाजपा की दुविधा भी यही है कि इनमें से किसी एक को कैसे न कहा जाए। दोनों में से किसका पत्ता कटेगा इसको लेकर संशय बना हुआ है। राजद में भी असमंजस है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर मीसा भारती राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री हैं। परिवार की परंपरा को देखते हुए माना जा रहा है कि उन्हें निराश नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ में यह भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव उनकी जगह किसी और को भेजना चाहते हैं। राजद संसदीय बोर्ड ने दोनों उम्मीदवारों के चयन के लिए लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिया है। संभावना यह है कि राजद 2 में से 1 सीट पर किसी अल्पसंख्यक को भेजे। अल्पसंख्यक में 2 नाम सबसे आगे हैं। सबसे पहला नाम सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की बीवी हीना साहब का चल रहा है। वहीं दूसरा नाम बाबा सिद्दीकी का है। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से गोपालगंज के रहने वाले हैं। वहीं हीना साहब को राज्यसभा भेजने के लिए साहबुद्दीन समर्थक जबरदस्त मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चलाकर राजद से हीना साहब को राज्यसभा भेजने की गुहार लगाई जा रही है। वहीं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी हीना साहब के लिए मांग कर चुके हैं। हालांकि हीना साहब का राज्यसभा जाना आसान नहीं लग रहा है। वहीं एक नाम कपिल सिब्बल का भी चल रहा है। कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल को अगर राजद राज्यसभा भेजती है तो कानूनी तौर पर समर्थन के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू यादव या उनका परिवार कानूनी शिकंजे में है, तो ऐसे में एक साथ किसी कानूनी आदमी का रहना जरूरी है। अब जदयू की बात करें तो 2016 में जदयू के 2 सदस्य राज्यसभा गए थे। इस बार जदयू से किसी एक को ही भेजा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद आरसीपी सिंह को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या नहीं तय नहीं हो पा रहा है। सबसे अधिक चर्चा जदयू की उम्मीदवारों को लेकर ही हो रही है। जदयू के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत किया गया है। आइए राज्यसभा उम्मीदवार के चयन को लेकर नीतीश कुमार की बात सुन लेते हैं। रेड हुए सर लालू जी हमारे पे कैसे देखते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बदला निकाला जा रहा है। अब उसके बारे में हम लोगों को क्या कहना है, ये तो जो कर रहा है वही ना बताएगा। उसके बारे में हम लोगों को क्या पता है, तो क्या जानकारी? राज्यसभा के उम्मीदवार की कब घोषणा होगी सर? राज्यसभा उम्मीदवार की उसकी चिंता मत करिए, समय पर घोषणा होगी। ठीक है।